साथियों नमस्कार, आप अपनी स्क्रीन पर साथियों जो इस पुलिसकर्मी को देख रहे हैं, साथियों उन्होंने खुद अपनी बच्ची को साथियों गोद में उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथियों बाकी के लोग वीडियो बनाते रहे, बच्ची दर्द से कराती रही। जी हां, 12 साल की मासूम बच्ची। साथियों बता दें कि इस तरह से एक दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है जो आप सभी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। साथियों क्या होता है कि कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए, कोई भी अनहोनी घटना हो जाए, लोग सबसे पहले वीडियो बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना कि उनके दर्द को समझकर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। साथियों ऐसा ही एक कारनामा निकलकर सामने रहा है जो कन्नौज के सामने रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिल दहलाने वाला सामना है जिसमें साथियों 12 साल की एक लवलुहान बदहवास में बच्ची दर्द से करा रही थी और लोग उसका वीडियो बना रहे थे, बल्कि उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बनाने में सभी लगे हुए थे। जी हाँ साथियों, इसी भी साथियों पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिसकर्मी आता है, साथियों एक पुलिस वाले ने, चौक इंचार्ज मनोज पांडे है उसका नाम, उन्होंने लवलुहान बच्ची को गोद में उठाया और सड़क पर दौड़ पड़े। दौड़कर टेम्पो में बैठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची मिट्टी के गुल्लक खरीदने घर से निकली थी। 12 साल की बच्ची रविवार दोपहर करीब 12 बजे बाजार गई थी। इस बीच किसी ने बहला फुसला कर उसे अवगाह कर लिया। कई घंटे तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। बताया जा रहा है कि साथियों उनके रिश्तेदारों ने रेप का आरोप लगाया है कि बच्ची को रेप के मकसद से उठाया गया था, लेकिन बच्ची के साथियों विरोध करने पर उसे हमला किया गया है, ये उनके परिजनों ने बोला है। बच्ची को मरा समझकर दरिंदे ने उन्हें सुनसान जगह पर फेंक दिया होंगे। जी हाँ, पुलिस वालों ने CCTV फुटेज हाथ लगा है। फुटेज में पता चला है कि वो एक युवक के साथ बातचीत करते हुए जाती दिखाई दे रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस युवक की पहचान करने में